हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का, काफ़ी आसान तरीके से, जो खाने में काफ़ी जायकेदार, एकदम ढाबा वाला टेस्ट एहसास होगा। यकीन मानिए, इस तरीके से बनाएंगे चना दाल तड़का तो बड़े बच्चे भी उंगली चाटते रह जाएंगे। इसे आप रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। एक बार इस आसान तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का और कॉमेंट में बताएं कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का। 200 ग्राम चना दाल है, आधा घंटा के लिए भिगो के रख देना है। दो बड़े साइज का प्याज है स्लाइस किया हुआ, दो टमाटर है चॉप किया हुआ, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। कुकर गैस पर चढ़ा चुके हैं, अब गर्म हो चुका है। अब इसमें दाल डाल देंगे, दो चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, एक गिलास पानी डालना है, दाल के ऊपर तक पानी डालना है। अब कुकर को बंद कर देंगे, 4 से 5 सीटी लगाना है ताकि दाल गल जाए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 100 ग्राम तेल डाल देंगे, थोड़ी देर गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, दो तेज़पत्ता डाल देंगे, स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिला देना है प्याज को, प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। हरी मिर्च डाल देंगे, दो हरी मिर्च है, गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, अच्छे तरीके से मिला लेना है। टमाटर डाल दे रहे हैं, टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को धीमी आंच में गलाना है। स्वाद अनुसार नमक डालना है, दाल में भी नमक डाले थे। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालना है। प्याज और टमाटर को 10 मिनट पकाना है, फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। प्याज अच्छे से गल जाएगा, तब तक पकाना तब तक जब तेल छूट जाए। 10 मिनट के लिए ढक देना है। गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं, देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके से गल गया है। 10 मिनट हो चुका है, अब ढक्कन खोल रहे हैं। मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, इसमें दाल डाल देंगे। दाल को अच्छी तरीके से मिला देना है इसमें। 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, इसको अच्छे तरीके से मिला देना है। आधा गिलास पानी ऐड करना है। देख सकते हैं दाल कितनी अच्छे तरीके से बन चुकी है। 2 मिनट और पकाना है इसको, दाल को। अब तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा घी डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच, दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब ये दाल में डाल देंगे तड़का के लिए, अच्छे तरीके से मिला देना है दाल में। कितना अच्छा ढाबा शहर में दाल बन चुका है। ढक्कन को बंद कर दिया, ढाबा स्टाइल चना दाल बन के रेडी हो चुका है।